तो नमस्कार, हम वाणिजीत कुमार और सब चालू कर दल बानी निष्ठक भोजपुर देखें। दरअसल आज हम बात कर बानी और रिव्यू कर बानी एक वैसन फिल्म जो फिल्म के नाम बा लंका में सीता। तो फाइनली लंका में सीता ए फिल्म के ट्रेलर रिलीज हो गल बा और फाइनली फिल्म भी रिलीज हो गल भी है। तो सब कुछ एमें रिव्यू करके बताएं और फिल्म कब रिलीज हुई वो भी बताएं। हाँ तो चलिए एगो काम करी, चैनल पर नया बानी सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई, बाकी संग मित्र और दौर दयाज संग भी करा के शेयर कर जी जो ना फिल्म के नाम बा लंका में सीता। देखिए लंका में सीता इस फिल्म के नाम बटे तो हम लोग सोच ले लो हम चाहे समझ ले लो हम कि शायद ये फिल्म में राम लक्ष्मण और रावण के बीच के कुछ स्टोरी देख मिली। तो बता दी कि दूर दूर तक ये फिल्म के कौन रिश्तेदारी नहीं के रामायण से, हाँ दूर दूर ले कौन रिश्तेदारी नहीं के, और ना ही ये में मतलब लंका बा, ना ही ये में रावण बड़ो, ना ही ये में सीता बड़ी, सब तो सपने खे बटे। सही बता रहा नहीं, सब तो सपने खे बा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के आखिर नाम से फिल्म के काम का बा। फिल्म के नाम से कोनो काम नहीं के, हाँ फिल्म अलग बा और नाम अलग बाटे। ये भोजपुरी के सबसे बड़ विडम्बना हुए कि फिल्म के नाम कुछ भी रही लेकिन काम ये उहे करिहन जा जौन यहाँ लोग के मन करी। तो सही बताओ तो नहीं, जौन यहाँ लोग के मन करी काम ये उहे करिहन जा। अब हम बात करें ए फिल्म के कहानी के बारे में। देखिए फिल्म में देखे के मिल रहा कि एगो हैरी जोश जौन बड़न जो कि फिल्म में बहुत तगड़ा, मतलब हाइट भी बढ़िया बा, बॉडी सॉडी भी बढ़िया बा और बढ़िया लुक्स भी बा, विलेन के तरफ देखला में खूंखार लागत भी बढ़न। तो वो बड़न जिनका नाम बा हैरी जोश और वो अपना आप के रावण समेत रहन, हाँ दशानन रावण अपना आप के समेत रहन कि यार तगड़ा बानी, बॉडी सॉडी बाटे और एकदम से खूंखार बानी, दउ विलेन बड़न और वो अपना आपके रावण समेत रहन। अब इस फिल्म में राम के दही के अंदर की एंट्री होत बा गजब बा ब्रो, गजब का डायरेक्टर साहब। हम आगे भी डायरेक्टर साहब के भी जिक्र करम और इस फिल्म के टाइटल से जुड़ल उनकरा के भी बताएं कि का साहब का कर चुकल बा। बाकी इस फिल्म में निसार खां की एंट्री होत बा और निसार खां बाथरूम से एकदम झाग उग लगा के घर से निकलत रहन काहे कि उनकर बाथरूम के पानी ओरागो रहत बा। अब गजब हद बा यार, गजब हद बा, आजकल पानी ओराए दटे तो का बात बा। ओकर बाद से ओ जगबे उनकर बहन रहत रहे निसार खां के, उनकर दोस्त रहत रही रितु सिंह, हाँ उनकर घर आवत रही और देखते कहते ओ हो क्या लुकिंग हॉट, अरे झाग में कौन लुकिंग हॉट दिखत अटे, उघारे निघारे बा कौन लुकिंग हॉट दिखत अटे, हम उघारे निघारे हो जिनका हमरों को हॉट कह देबू का, गजब हाल बा ब्रो, गजब हाल बा। डायरेक्टर साहब के दिमाग के हमें यह दाद देते बारे। और बाद से ओ जगह से रितु सिंह देखत रही निसार खान से उनको मध्यम 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 प्यार होत बा और वो प्यार एकदम से चाहत बा कि प्यार एकदम से इकरार में बदल दी, इकरार ब्याह शादी में बदल दी, ए तरह के उनका सोच बन जात बा। अब भाई सोच तो बनिए जरा कबो न कबो। अब धीरे धीरे निसार खान के भी रितु सिंह से प्यार होत बटे। अब प्यार होत बा ये लोग गाना साना गावे लगत बढ़न जब, और उन्हें जो हैरी जोश बढ़न वो भैया एकदम से कमाल के बढ़न। उनका एगो अलग स्टोरी चलत बटे, उनका एगो लड़का रहत बा जिनका फिल्म में उनका एगो लड़का रहत बा, उनका नाम बटे सौर्या पाठक। इस सौर्या पाठक अपना आप के ना रावण समेत रहन तो रावण के बाबूजी समेत रहन, हाँ सही बता रावण के बाबूजी बुझत रहन अपना आप के और कुछ बोलत रहते रहन और एकदम विलन लोग एकदम से संदेश देते रहते रहन। तो फाइनली ए तरह के इन लोग के कैरेक्टर बने। और बाद से कुछ घटना ऐसा घर था ट्रेलर में कि जो ना में निसार खां पिटा जाते रहन, बड़ी बुरी तरह से पिटा जाते रहन और वो जगह से रितु सिंह के उठा के हैरी जोश लेके चल जात बड़न अपना के और लेके चल जात बड़न। तो भाई वो अपना आप कैसे ही रावण बोत रहन, जब लेके चलत रहन तो उनका घर लंका होत बटे और निसार खान बन जात बड़न राम, हाँ निसार खान बन जात बड़न राम। अब वो जात रहन लंका में के तरह के सीता के लिए, काहे कि उनकर बाबूजी निसार खान के बड़न समर्थ चतुर्वेदी। समर्थ चतुर्वेदी कहते कि ना बेटवा हमके पतो हो तो वह चाहिए। अरे समर्थ भैया का आज मतलब तू घरे जाला तो अपन लड़का से कहल कि हमके पतो हे चाहिए जो हे करे के लेके आ यार। कुछ तो लॉजिक, मतलब आजकल के समय में कुछ तो लॉजिक नाम का कोनो चीज़ हो जाए, लेकिन कुछ लॉजिक ना यार, कुछ लॉजिक ना, लॉजिक के एकदम से माँ बहन जे तरह के हमनी के मतलब देश के वित्तीय जनबाड़ी काला फाइनेंस मिनिस्टर वो कहली कि एग्जैक्टली डॉलर्स मतलब बढ़ा नहीं है, रुपया गिरा नहीं है, डॉलर भी बेचारा बरियार हो गया तो हम लोग क्या करें। तो फाइनली वो है हाल बाटे इनकर लॉजिक के, मतलब हद बाबाई हद बाटे। और बाद से के तरह के निसार खां जातरन हैरी जोश के एकदम से पूरा किला में वो जगह से अपन लवर्स के बचा के लेके और जंगल के रास्ते भागत रहन, के तरह उनका पीछे विलन लागत रह, के तरह फाइट करते रहन, के तरह उनका गोड़ में कांट गिरता और कांट निकाल के कहीं गोड़वा में चुमा लेते रहन। ये सब कुछ एकदम से सिमिलरी चलत चलत चलत
और फाइनली लास्ट में तो जानते बानी कि आखिर हीरो जब बचाई तो का करी और ना करी, फिर विलन के का असर हुई ये भी रोमा लोग जानते हैं बानी। बाकी ये बाटे इस फिल्म के कहानी। अब बात कर ले जा तनी अहम फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा के और ये फिल्म के डायरेक्टर साहब के सोच के बारे में हमने के बात कर ले। देखिए फिल्म के पॉजिटिव हिस्सा पहले बता दो, बाद में नेगेटिव बता दे। देखिए पॉजिटिव हो सकेला एक फिल्म के जॉन हैरी जोस के से जब लेके भागत रहन और उ जंगल में जे तरह के सारा चीज़ चलत बटे उमार धार नोक झोंक विलेन और हीरो के और वो बीच में जौना हिसाब से ऋतु सिंह के प्यार और निसार खान के से जौन चेहरा से झलकत बटे वो एगो पॉजिटिव हिस्सा हो सकेला। और एगो और ये पॉजिटिव ए फिल्म में बटे वो बाटे फाइट सीन। हाँ वो बाटे फाइट सीन जौना हिसाब से निसार खान में फाइट कैले बड़न उ कमाल्स के बाटे यूनिक्स बाटे और हैरी जोस के साथ जो उनका फाइट भी बा वो भी एगो पॉजिटिव हिस्सा हो सकेला ए फिल्म के देखती एगो रीजन बन सकत बाटे। और एगो और रीजन बाटे कि निसार खाने में काफ़ी खूबसूरत लागल बड़न बॉडी शॉडी भी थोड़ा सा बनाने बड़न बस उनका हाइट छोट बाटे बस वह 3 फीट 4 इंच के बड़न तो ये थोड़ा सा दिक्कत बाटे बाकी और सब फिट बा बाकी और सब फिट बा। अब नेगेटिव पॉइंट का हो सकेला कहानी और फिल्म के नाम से कौन मैच नहीं के ई सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकेला। और केहू एक बार देखी तो 10 आदमी को बताए कि यार फिल्मिया में नाम कुछ और लमको ने कुछ और देखे सला देखा दिला से कुछ और तो ई एगो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकेला और ई मेकर्स के समझे के चाहिए। अब हम बात करते हैं फिल्म के निर्माता के बारे में। दरअसल फिल्म के निर्माता बड़न सुरेंद्र रेड्डी। अब आगे उनका थोड़ा नाम बहुत ही लम्हा टमर बा वो हमारा पढ़े नहीं खाया होते लिए खाली उनका लास्ट वाला नाम बताते नहीं सुरेंद्र रेड्डी। बाकी फिल्म में लेखक निर्देशक स्क्रिप्ट राइटर्स इस और सब कुछ बड़न जिनका नाम बा सुब्बा राव गोसांगी। अब सुब्बा राव गोसांगी भाई मतलब के तारा के बुद्धि दे दिया मतलब के बुद्धि दिल कि नाम कुछ और रखा फिल्म कुछ और ही बनत मतलब यार हद हो जाला। हमके लागल या बहुत लोगन के भी लागल चाहे बहुत लोग हमके बतेबे करन भैया एमे का जितने के राम सेतु फिल्म बनल हवे का कुछ मैथोलॉजी और कुछ आधुनिक युग जोड़ के कुछ फिल्म बनावल जी का एमे कुछ यूनिक चीज़ देखे के मिल सकेला का कुछ बड़ा चीज़ देखे के मिल सकेला लोगन के मन में ये सवाल उठन। लेकिन तो उनकर दिमाग पर एकदम सवाल पर एकदम पानी फेर दिल यार सुब्बा राव गोसांगी यार कहाँ से लेके आवल जाए इतना कुल दिमाग कहाँ से इतना कंटेंट आप लोग लाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बाकी फिल्म में संगीत दिलवन ओम झा जो उनकी संगीत अच्छा लग रहा बा ठीक ठाक बटे काम चलावल जा सकेला। बाकी फिल्म में गीत अरविंद तिवारी बीना निर्मल लिखल बा जो उनकी कम चलाऊ ही गीत बटे एहन लोग के पता बा कि कम चलाऊ गीत केंगे नहीं लिखल जाला उससे बढ़ के गीत लिख भी ना सकल जा। हाँ बाकी ए फिल्म में VFX के भी इस्तेमाल भइल बा जौन कि VFX कृष्णा कैले बाण। बाकी ए फिल्म में देखी तो स्टार खां ऋतु सिंह के जोड़ी काफ़ी खूबसूरत लागल बा। हैरी जोस ए फिल्म के सबसे टर्निंग पॉइंट हो सकत रहन इस फिल्म के देखा थी। फिल्म में तगड़ा विलन बटे ए लिए तगड़ा विलन ही फिल्म के आजकल आकर्षित करते रहन दर्शकन के अपना ऊपर तो ए फिल्म के विलन जौन हैरी जोस बढ़न दर्शकन के अपना ओर आकर्षित कर सकत रहन और जैसे उनका भविष्य ब्राइट हो सकता और भोजपुरी में बड़ा बड़ा काम भी कर सकत रहन। बाकी प्रकाश जय समर्थ चतुर्वेदी अपन सिमिलर ही काम कर बढ़ जाए कुछ नया नहीं है कैलन जाए। बाकी ग्लोरी मानता सानिया सिंह और शांति प्रिया रागिनी और सौर्या पाठक जैसा स्टार कास्ट में बढ़ जाए। बाकी ओवरऑल देखल जाओ तो ये को कम चलाऊ फिल्म कहल जा सकेला। बाकी रिव्यू बस इतना ही। आई फिल्म 25 तारीख के सिनेमा घर में रिलीज हुई और हमारे लोग मन करे तो जाके देख सकते नहीं भोजपुरी के फिल्म हवे लंका में सीता। तो बाकी ऐसा ही देखते रहें निष्ठक भोजपुरी बाकी हम जी।